हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्दोषों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद की जय, भारत माता की जय, केंद्र सरकार होश में आओ, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो पिछले दिनों राजौरी में एक नरसंहार हुआ, एक फैमिली के घर जाकर उनके आधार कार्ड देखकर एक टारगेट किलिंग की गई, हम उन जो भी उन हमलों में शहीद हुए हैं, हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके साथ साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार केंद्रीय सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि धारा 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट को हमने ख़त्म कर दिया है, और जब भी कोई मिलिटेंट हमला होता है तो सरकार हमेशा यही कहती है कि मिलिटेंट, चंद मिलिटेंट बचे हैं और ये उनकी बुखलाहट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई वर्षों से सरकार एक ही बात कह रही है कि उनकी बुखलाहट है, मगर जो मिलिटेंट के हमले हैं वो बरकरार जारी हैं। हर नए दिन, हर कुछ दिनों में एक मिलिटेंट हमला होता है और उसमें हमारे बेकसूर लोगों को जाने गंवानी पड़ती है। सरकार का ये जो नारा है कि धारा 370 के बाद मिलिटेंट को हमने ख़त्म कर लिया है, ये टोटली फेक है, ये गलत है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। क्या देखते हैं, सिक्योरिटी लैप भी हुए हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है इसमें। जैसे तो वैसे तो हमारी जो इतनी एजेंसी है इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर आप देखते हैं कि मिलिटेंट के हौसले कितने बुलंद हैं कि एक घर के अंदर जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद उन पर हमला किया जाता है। तो मैं कहता हूँ ये सामने दिख रहा है सिक्योरिटी लैप्स। और हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है, होम डिपार्टमेंट जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी से, कि थोड़ा ध्यान, बाकी यही ध्यान मत दो कि किसी राज्य में अपनी सरकार कैसे बनानी है किसी दूसरी पार्टी के एमएलए तोड़कर। आपको गृह मंत्री बनाया गया है, हमारी जम्मू कश्मीर की लोगों की जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में। हम चाहते हैं कि आप एक ही बार में पाकिस्तान पर अटैक करके इस आतंकवादी हमलों को एक ही बार जड़ से खत्म किया जाए। सरकार का लगातार कहना है कि हालात सामान्य है जम्मू कश्मीर में, किस तरह देखते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि कहां सामान्य दिख रहे हैं, ये सिर्फ झूठ जुमला है, झूठ है टोटली। आप ग्राउंड लेवल पर देख लीजिए कि कौन से हालात ठीक हैं। आए दिन हमारे कश्मीरी पंत भाई मारे जाते हैं, कितने कश्मीरियों ने हमारे कश्मीर में नौकरी करना छोड़ दिया, और ये बिल्कुल झूठ है। सरकार टोटली फेल्ड है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने में, और सरकार का जो ये कहना है कि सामान्य हालात हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल इससे विपरीत हालात हैं। दिल्ली में ये नरसंहार हुआ है दो बच्चों के साथ और दो बुजुर्गों के साथ, इस चीज़ को देखते हुए मैं हमारे सेंटर सरकार से और गृह मंत्री से ये अनुरोध करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात दिन प्रतिदिन और पिछले कुछ महीनों से लगातार बनते आ रहे हैं। कभी टेररिज्म अटैक हो रहा है सुंजुआ में और कभी कहीं अटैक हो रहा है। आज जो राजौरी में पिछले दिनों में ये जो अटैक हुआ है एक परिवार के ऊपर, उसको देखते हुए हमें जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और उसी के साथ साथ गृह मंत्री को भी एक बड़ी सोच के साथ एक अच्छा ध्यान जम्मू कश्मीर के ऊपर देना पड़ेगा टेररिज्म को देखते हुए कि वो कैसे हालात जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं।